بسم اللہ الرحمن الرحیم 8√x = √16 इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 8 में ये स्क्वायर रूट नहीं, इनकी जगह लिख देंगे 1 और 2। इधर इसी तरह इधर भी स्क्वायर रूट की जगह लिख देंगे 1 और 2, तो यहाँ जाएगा 16x 1/2। फिर क्या करेंगे, यहाँ 8 को इस तरह लिख सकते हैं ना कि 2/3। 2/3 से क्या आता है, 8 आता है, तो 8 को हमने 2/3 लिख दिया। इसी तरह इधर ये 16 है, इनको इस तरह लिख सकते हैं कि 2/4, क्योंकि 2/4 से क्या आता है, 16 आता है। फिर क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है, वो क्या है, a^m/n और बराबर होता है a^mn के, तो इनको और इनको इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 2/3x/1/2, यहाँ 2/4x(1/2) पावर में इनके साथ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/3x/1/2 = 2/2x। फिर क्या करेंगे, हमें एक रूल का पता है, वो क्या है, a^m = a^n और बराबर होता है m = n के, तो इन दोनों को भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 3/x/1/2 = 2x। फिर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस तरह भी स्क्वायर ले लेंगे और इस तरह भी स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 के ऊपर अलीला स्क्वायर लिख देंगे पावर में, इधर भी इनके ऊपर अलीला स्क्वायर लिख देंगे, इधर भी 2/ अलीला स्क्वायर और x/ अलीला स्क्वायर, तो यहाँ इनसे आ जाएगा 9, जी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा x = इनसे जाएगा 4x². फिर क्या करेंगे, 9x को इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ जाएगा 4x² - 9x = 0। फिर क्या करेंगे, इनसे x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जाएगा 4x - 9 = 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएगी, एक आ जाएगा x = 0, जबकि दूसरा आ जाएगा 4x - 9 = 0। तो यहाँ तो x की वैल्यू आ जाएगी x = 0, x की पहली वैल्यू आ गई 0, यहाँ -9 के साइड पर लाएंगे तो ये +9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को 4 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 पर डिवाइड करेंगे और इसको भी 4 पर डिवाइड करेंगे, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x की दूसरी वैल्यू आ गई 9/4, x की दूसरी वैल्यू आ गई 9/4 और पहली आई थी x = 0। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया।